ग्वालियर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां रेस्टोरेंट में खाना खाने आए दो ग्राहकों को रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर रेस्टोरेंट संचालक और उसके स्टाफ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मिलकर लाठी डंडे से जमकर पीटा। हालांकि एक ग्राहक तो मौका पाकर वहां से भाग निकला, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक की पकड़ में दूसरा ग्राहक आ गया, जिसको उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर डंडे से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, स्टाफ ने मिलकर लात घूसू से भी उसकी पिटाई की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें ग्राहकों की लाठी डंडे से पिटाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह घटना पड़ाव थाना के रेलवे स्टेशन बजरिया पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर घटित हुई है। बावजूद इसके इतने बवाल के बाद भी स्टेशन बजरिया पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस ग्राहकों को बचाने नहीं आई। हालांकि इस घटना का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया। हालांकि जिस युवक के साथ मारपीट की जा रही थी, उसने कोई शिकायत पुलिस में नहीं की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पड़ाव थाना पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस उस ग्राहक की भी तलाश कर रही है जिसकी बहरे में से मारपीट की गई है। सर, पड़ाव स्टेशन बजरिया पर एक शराब की दुकान के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल। एक जो है वीडियो स्टेशन बजरिया के पास में एक मारपीट का संज्ञान में आया है, जिसमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के पास में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी पड़ाव को निर्देशित किया गया है कि उसकी तस्दीक करें और जो जिसके साथ मारपीट कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट लेकर वैधानिक कार्रवाई करें, जिनके द्वारा मारपीट की जा रही है।